अरे हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर साहब आते थे उनकी अपनी वाइफ के साथ, जयपुर में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थे, वो गवर्नमेंट डॉक्टर थे, और उनकी बेटी थी करीब मेरे ख्याल से 6-7 साल की बेटी होगी, सेकेंड चाइल्ड उनकी नहीं हो रहा था, सेकेंड प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी उसकी, ट्रीटमेंट के लिए बहुत नहीं नहीं उसके फर्स्ट बेटी के टाइम डिलीवरी हमने करी थी, सिजेरियन किया था, 4-5 साल की बच्ची थी, फिर सेकेंड प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आते थे वो, तो खैर एनीवेज वो हो नहीं रही थी, फिर 3-4 महीने वो गायब हो गए, आए नहीं, तो हमें लगा ठीक है हो गई होगी प्रेगनेंसी या कहीं और दिखा रहे होंगे। तो एक दिन पुलिस वाले आए, तो पुलिस वालों ने आकर जो है उनका नाम वाम लिया, बोले आपके पेशेंट हैं, वो रिसेप्शन पे गए होंगे, रिसेप्शन वालों ने पूरी उनकी हिस्ट्री निकाल कर फिर वो हमारे चेंबर में आए, तो उन्होंने हमको वो हिस्ट्री दिखाई, हमने कहा हमारे पेशेंट हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट चला है मैडम इनका, तो हमने सब बताया ऐसा ऐसा ऐसा। तब हमें पता चला कि वो उनकी एक्चुअली सेकेंड वाइफ थी, उनकी फर्स्ट वाइफ भी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थी, पीडियाट्रिशियन थी, वो कहीं और पोस्टेड थी, और उनका डिवोर्स नहीं हुआ था फर्स्ट वाइफ का, हाँ वो डॉक्टर साहब की पहली बीवी, तो उनका डिवोर्स नहीं हुआ था, और ये जो है मतलब लीगली वेडेड वाइफ नहीं थी, और हमें तो पता ही नहीं था उस दिन, हमें पता चला हम कितने बड़े ढक्कन हैं यार, हम तो सोचते हैं कि हमें बड़ा समझ में आ जाता है। तो एनीवेज फिर वो उनको हमारा बयान चाहिए था कि यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट होता था, वो सब कुछ वो पूरा करके गए, और खैर उसके बाद फिर वो 2-3 महीने मतलब 1-2 महीने के बाद में वो डॉक्टर साहब को पता चला होगा कि हमारे इंक्वायरी आई है, तो डॉक्टर साहब वापस से प्रकट हुए, तो उन्होंने आकर बोला सर, फिर वो बोलते बड़े आराम से, बोला मैडम मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को जिसके संग अच्छा लगेगा मैं उसके संग रहूंगा, और वैसे भी अब सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन को लीगल कर दिया है, तो वो बच्ची भी पूरी मेरी है, और अब जो बच्चा होगा वो भी पूरा मेरा होगा। हमने कहा बिल्कुल होगा डॉक्टर साहब, बिल्कुल होगा, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है आपकी इच्छा है, बिल्कुल रहो आप, ठीक है। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने हिम्मत नहीं हारी अपने प्यार के लिए, चलिए